यस अंकित, वी कैन गो एट। Yeah, so basically my question is that I'm working in mainframe domain right now. So I have mostly around 6.5 years experience. So I was thinking like it's an experience side, or like if you have 2-3 experience, then I can understand that you can manage. But like my experience, because you are working in the same domain, so I just wanted to know how transaction will be, how should be the preparation for me, or is it easy to like directly go, or is there any pre-planning to move this domain by like मतलब क्या होता है, आई डू नॉट नो, लाइक इफ यू कैन ब्रीफ मी कि इसमें क्या क्या काम करते हो। बेसिकली या वर्क इज लाइक कोबोल, जेएसएल, जो इस तरह की जो पुरानी लैंग्वेज है उस पे काम होते हैं, जो बैंकिंग डोमेन, टेलीकॉम डोमेन, इस तरह की जो पुरानी डेटाबेस में भी काम होता होगा, राइट? आईएमएस डेटाबेस जो नासा ने यूज किया था, अपोलो मिशन में, उस तरह की पुरानी काम। अच्छा, बहुत ओल्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी है, आप ये बोल रहे हो। हाँ, तो चूंकि जितने भी लेगेसी सिस्टम है वो इस पे काम कर रहे हैं, वो आगे तो जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका मतलब इतना स्ट्रांग है डेटा फेस करने का, और काफी वॉल्यूम्स में डेटा यूज किए जाते हैं, सिक्योरनेस अलग है, और पुरानी चीजों को माइग्रेट करना उतना आसान नहीं होता है, तो मतलब लोग टीम फंसे हुए हैं बीच में, तो वो धीरे धीरे पार्ट वाइज ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इसमें हो क्या गया, ये काइंड ऑफ मतलब जो सेपार्ट ये संस्कृत जैसा हो गया है, जो मतलब जिसको लोग इज्जत तो करते हैं लेकिन मतलब उसकी मतलब मार्केट डिमांड नहीं होगी, जो है जो नए लोग नहीं जान रहे हैं, यस, पुराने वाले ही वहीं पे अटके हुए हैं, एंड नए वाले क्यों ही जाएंगे, वो पुरानी लैंग्वेज को बहुत कौन ही यूज करेगा आज के टाइम पे। आप यदि कोड्स देखोगे तो सब 85 के कोड है, 78, 90s, मतलब सब हमारे मतलब बर्थ से पहले के कोड्स वगैरह, उसमें क्या होता है कहीं यदि कोई इश्यूज, हां, जो छोटे छोटे काम आप देखोगे या कोई जो क्योंकि मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करते वो देखेगा तो मतलब या तो जाना नहीं चाहेगा, जाएगा तो डिमांड करेगा पैसे की, तो दोनों चीज यहाँ पोर्ट में नहीं हो रहा है। तो जो नए फ्रेशर है उसको ये ट्रेंड किया जाता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो वो मतलब जैसे मैं भी जावा बैकग्राउंड से था, तो कॉलेज के टाइम तक जावा था, जब यहाँ गया था, चूंकि आप जॉब्स के ऊपर फ्रेशर, एज ए फ्रेशर आप नॉर्मल कॉलेज वेस्ट बंगाल से पढ़ा और बिहार से हूँ, तो उतना मतलब ये था नहीं, तो बस मेंटेन कर लिया, जब 1-2 साल 3 साल हो गया तो मतलब ये साइट वगैरह जो भी आज और चीजें थी, लोग मैं कनाडा भी गया हूँ, तो उस लोग से मैं यहाँ अटक गया, तो यहाँ से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लॉकडाउन के 2-3 साल से मैं मतलब इसी ही है। तो पहले मैं एमडॉक्स में काम करता था पुणे में, अभी मैं फिलहाल बैंक ऑफ अमेरिका में हूँ गुड़गांव में, तो वो मुझे एक तो ये हो रही है, मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो वो कैसे माइग्रेट करूँ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो वो फ्रेशर ट्रीट करेंगे या मुझे सेम एक्सपीरियंस पे, तो क्योंकि आप इस फील्ड से थे। यस 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 यस, श्योर श्योर। तो बेसिकली लाइक आप जैसे बोला कि आपको RDBMS में काम किया हुआ है, SQL तो आपको आता ही होगा, राइट? अच्छा, कमांड होगा SQL, हम लोग का जो नॉर्मल जो बेसिक फेचिंग्स वगैरह होते हैं, मतलब बहुत मल्टीपल जैसे आप लोग बताते हो, मैं आजकल देखता हूँ लिंक्डइन पे, उस तरह से नहीं है बहुत ज्यादा शॉर्ट, लेकिन नॉर्मल ज्वाइंस बेसिक जो, हाँ, बेसिक ज्वाइन स्टोर्ड प्रोसीजर व्यूज एंड वेयर, नहीं स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरा डेटाबेस IMS है। अच्छा। दो तरह की कॉन्सेप्ट है इसमें, एक IMS, एक DB2। तो जो डीबीटी वाले मेनफ्रेम है उनको SQL ज्यादा थोड़ी कमांड रहती है, लेकिन हमारा चूंकि IMS है तो SQL हमारा एक पार्ट है, मतलब जो मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या टेस्टिंग के लिए डेटा यूज होता है उसमें हम लोग यूज। अच्छा, मतलब तो आप तो मतलब आपने मतलब फिर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं लिखी हुई है, नॉर्मली क्वेरी लिखी हुई है। हाँ, तो फर्स्ट चीज तो आदर्श यही है ना कि आप पहले डेटाबेस SQL को कमांड कर लो, क्योंकि क्या होगा ना, जो भी पहला राउंड होता है, जब भी आप डेटा इंजीनियर, कोई भी डेटा इंजीनियर में जाओगे, Azure, GCP, AWS, तो फर्स्ट राउंड वो SQL के ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो नहीं पूछने लगेंगे कि क्लाउड बता दो या स्पार्क बता दो एंड सो ऑन। वो पहला राउंड आपका 3-4 क्वेश्चन देंगे SQL के, वो आपको सॉल्व करने होंगे, वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपको वहाँ पे ज्वाइन लगा के परफॉर्म करना होगा कुछ, वहाँ पे ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज लगाना होगा या विंडो फंक्शन लगाने होंगे, जैसे हम रैंक, रो नंबर, डेंस रैंक बोलते हैं। एंड अगर आपको पाइथन आती है, वो एडवांटेज मिल जाता है आपको, अगर आप पाइथन भी सीख लो, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा सीख लो पाइथन ईजी, मतलब अगर आपको ये लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को बोल, आपने बोला जैसे पुरानी लैंग्वेजेस आती, जावा भी आपको आती है, तो ये आप पाइथन तो सीख ही जाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है लैंग्वेजेस का, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, राइट? वो सब तो सीख गए, क्लास व्लास का मतलब जावा में ऊपर कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर दूसरी लैंग्वेज में तो सीख ही जाना है, तो ये आप कर लो। और पाइथन में सिर्फ मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं, प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, लाइक इफ आई गिविंग यू वन एरे, एरे में से यू हैव टू
यू हैव टू फाइंड आउट अ डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट नंबर्स, तो वो आप पाइथन के कोड से कैसे लिख पाओगे? तो वो टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सी कंपनी सिर्फ सीक्वल पूछती हैं, बट अगर आप बोलोगे मुझे पाइथन भी आता है तो एडवांटेज मिलता है और वो फिर आपको पाइथन के क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक मेरे केस में अभी कुछ रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, डुप्लीकेट नंबर बताओ एरे में कौन सा पहले आया है। तो लाइक एक सिंपल मेथड से, तो वो ब्रूट फोर्स मेथड से वी कैन डू इट इजली, बट फिर उनको कहना था ऑप्टिमाइज करो इसको, तो आई वाज नॉट नो दैट मच, तो वो स्किप हो गया। एंड फिर छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग दी गई है, एक एरे दिया गया है, उसको रिवर्स करो यूजिंग पाइथन। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एज वेल द कंपनी टू कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है। एंड फिर जैसे मैंने आपको बोला कि सीक्वल में ये सब पूरा मतलब एंड टू एंड सीखो सीक्वल में, क्योंकि सिंस यू हैव गुड एक्सपीरियंस, 6 ईयर्स एक्सपीरियंस में आपको डीप में ही जाके पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर लेवल का पूछ लेगा कि टेबल बता दो एन एक्स वाई जेड चीजें, तो नहीं पूछेगा ना, अंदर जाके पूछा जाएगा। तो वो सब पक्के से कर लो, एंड स्पार्क बस कर लो आप पक्के से। एंड देखो मतलब अब आप डेटा इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तो बहुत चीजें हैं, बहुत से टूल हैं। अब इफ आई टॉक अबाउट इस पे एजोर पे, तो आपको एजोर डेटाबेस सीखना पड़ेगा, एजोर डेटा फैक्ट्री सीखना पड़ेगा। फिर आपको अगर लॉजिक ऐप, तो चलो लॉजिक ऐप को हम साइड में कर सकते हैं, पावर बी आई अगर आपको आता है, जैसे हम डेटा मॉडलिंग करना, डेटा मॉडल मॉडल बनाते हैं, पावर बी आई रिपोर्ट बनाते हैं, वो सब अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद एजोर डेवऑप्स, मतलब भाई अपने कोड को आप डिप्लॉय कैसे करोगे दूसरे एनवायरनमेंट, तो बहुत चीजें आ जाती हैं। तो अब आप सब चीज नहीं सीख पाओगे एक ही टाइम पे, राइट? थोड़ा टाइम लगेगा, और क्या होता है कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, मतलब पैसे देने पड़ेंगे आपको या कुछ और करना पड़ेगा। तो व्हाट आई वुड से, जो मतलब मेरे सीनियर्स भी हैं, वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप स्पार्क सीख लो बस स्पार्क, क्योंकि स्पार्क में क्या है, वो कॉन्सेप्ट वाले चीजें हैं। बाकी जो मैंने बताया ना, लॉजिक ऐप हो गया, जो दूसरे टूल्स हैं, वो ना यूआई हैं, वो टूल बने हुए हैं, मतलब वहाँ पर आपको कोड नहीं लिखना है, वो टूल है। और आपको ये पता है, टूल सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। टूल आप मतलब किसी भी कोई भी, मैं आपको अगर दे दूँ आपका सब्सक्रिप्शन, हाँ तो आप 10-15 दिन में वो चला चला के ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीख ही जाना है आपको। हाँ तो डेटाबेस सीख लो, डेटाबेस मीन्स स्पार्क, और स्पार्क एंड टू एंड सीखो इस बात, क्योंकि आजकल पता है आपको भी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, हर कंपनी मांग रही है डेटा इंजीनियर में, वेदर इट इज एजियो, जीसीपी और AWS। तो वो सीख लो, बहुत ही मस्ट है। मतलब अब आप जैसे, अब आप सोच, आप मेरे से पूछोगे डेटाबेस में क्या, मतलब स्पार्क में क्या क्या सीखे, तो स्पार्क में बेसिक से लेके स्पार्क का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, वो हडूप एंड स्पार्क में डिफरेंस क्या है, क्यों मतलब लोगों ने स्पार्क पे मूव कर दिया, लोग क्यों अब हडूप यूज नहीं कर रहे हैं। ओके एंड देन फिर ऐसे नीचे धीरे 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 आके ब्रॉडकास्ट वेरिएबल क्या होता है, डेटा कैसे लोड करते हैं, डेटा फ्रेम में डेटा सेट क्या होता है, आरडीडी क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा कॉस्ट, अगर हम आरडीडी यूज करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, कि डेटा सेट में टाइम लगेगा ज़्यादा कि कॉस्ट लगेगी ज़्यादा। फिर मतलब ऐसे मतलब फिर अब फिर आप क्या करो, आप या तो पाई स्पार्क का ही जमाना है, हर कोई पाई स्पार्क पूछ रहा है आजकल। तो पाई स्पार्क मतलब इफ़ यू ऐसे मतलब आप पहले सीक्वल सीख चुके हो गए, तो सीक्वल पैटर्न आपने सीख लिया, तो पाई स्पार्क सीखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आप सीख सकते हो। क्योंकि वो बस क्या है कि जैसे कि आपको डेटा लोड करना है, तो आप क्या करोगे, एक छोटा कोड है, बहुत बेसिक कोड है, मतलब आपको सिर्फ सिंटेक्स याद करना, आपने डेटा लोड कर लिया, आपने टेबल बना ली उससे, ठीक है, आपने टेबल बना ली, एंड जो भी आपको फिर सीक्वल के ऑपरेशंस हैं यू कैन परफॉर्म इन डेटाबेस, इधर यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सीक्वल और पाइथन। तो वो चॉइस होती है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता कि आप पाइथन में ही पूरा कोड लिखो, आप सीक्वल में भी लिख सकते हो, हर कोई लिखता है, ऐसा सीन नहीं एक है। चीज पूछनी थी, जो जैसे पाइथन में मतलब जो ऑनलाइन वगैरह जो इसमें उडमी वगैरह या जो भी प्लेटफॉर्म देख रहा था, उसमें कई लोग कंफ्यूज करते थे, आपको फ्रेमवर्क भी आना चाहिए, क्लास के चेंज, ये सब जरूरी है नॉर्मल नो आपको नो स्मॉल वो सेट या अब पहले वो ये सब चीज? फ्लास जेंगो तो हो गया जब आप वेबसाइट बनाते हो,
अच्छा नॉर्मल इसके लिए कोई नॉर्मल जरूरी नॉर्मल नहीं। के लिए नहीं, बस नॉर्मल मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना अभी, तो आपको क्लास तक भी जाने की जरूरत नहीं उप कॉन्सेप्ट की। अगर आपको जावा में पता होगा उप, मतलब हम लोग को जनरली पता है उप्स क्या होता है ना, उसमें इनहेरिटेंस क्या होता है, और वो ये मल्टी थ्रेडिंग, वो पॉलीमॉर्फिज्म, सब ये सब चीज। मतलब डेफिनेशन रटी हुई है, तो इतना डीप में हाँ जाने की आपको पाइथन में जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो है ना, तो लाइक आप बस ये सीख लो, बस लिस्ट जो चार टाइप के डेटा टाइप होते हैं, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये चार में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा कब यूज करोगे। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, अगर तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे लिस्ट यूज करूंगा कि सेट यूज करूंगा कि टपल कि डिक्शनरी, है ना। उसके बाद फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, वो मस्ट है ना। फंक्शन कैसे कॉल करोगे, फंक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग, फॉर ईच मतलब फॉर लूप लगाना, इफ एल्स लगाना, वो सब तो बेसिक ही है, वो तो आप सीख ही जाना, क्योंकि जावा मतलब सिंटैक्स सिमिलर टू जावा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट तो सेम। बस इतना आप कर लो, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टी थ्रेडिंग भी आप अगर सीख सकते हो पाइथन में, सीख लो। एंड प्लस फाइल का इनपुट आउटपुट, फाइल कैसे ओपन करोगे, फिर उसमें चीजें कैसे डालोगे, रीड कैसे करोगे, राइट कैसे करोगे, वो सब चीजें बस। और ज्यादा मत भागो, वरना मतलब फिर भागते जाना है उसमें, फिर लूप में घूमते हाँ जाएंगे। मतलब वो काफी कंफ्यूज, मैं एक दो इंस्टीट्यूट से भी बात की थी, तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर वो वगैरह इतना कंफ्यूज कर जाते, फिर मैं आपका जैसे लिंक्डइन पे देखा तो मुझे लगा हाँ इतना अब डीप समझ लो में मेरे नहीं जैसे जाना। बनने के लिए सिंपल सही है। अब देखो क्या होता है ना आदर्श, की अभी अब वो लोग क्या है, अलग मैं नहीं बोल रहा हूँ कोर्स बेकार है, अच्छा वो लोग पेड हाँ कोर्स हाँ देते हैं, अब वो तो सब चीज बताएंगे कि अगर वो जरा सा बता देंगे, चार चार लाइन का बोलेंगे आई एम एक्सपेक्टिंग इतना पैसा, मतलब कोई बोले मना ही कर सही देगा ना बात कि भाई मैं नहीं। और इतना नीट नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग नीट नहीं है, स्टार्टिंग के लिए नीट नहीं है, आगे जाके जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क बनाने लगोगे, तो आपको क्लास ऑब्जेक्ट से ही बनाओ, उप कॉन्सेप्ट से ही बनाओगे। बट अगर आपको कंपनी में जाना है, बस आप सोचो मैं स्विच कर लूं, तो उसके लिए सब चीज आना नहीं मैंडेटरी होता है। राइट। मेन तो हैंड्स ऑन नॉलेज है, क्योंकि आप कितना भी सीख लो भी हैंड्स हाँ, ऑन नहीं क्योंकि हो तो मतलब हमने भी लाइक आपको 10 से 12 इंटरव्यू दिए हैं, सब लोग कोई भी किसी ने क्लास यूज कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, फंक्शन तक ही गया है बंदा। और जो भी प्रोग्राम बोल वो लोग लिखवाते हैं, वो लोग ये बोलते हैं फंक्शन की मदद से बनाओ एंड फंक्शन को कॉल करो एंड आउटपुट दो, ऐसा। क्लास ऑब्जेक्ट तक कोई नहीं जाता है। मतलब आई रिमेम्बर जो पोस्टमैन कंपनी थी, पोस्टमैन बड़ी कंपनी हो गई है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है वो, उसने मेरे को क्लास ऑब्जेक्ट पूछा था। तो मतलब आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में सोच रहे हो या तो इसी अपर लेवल की कंपनी सोच रहे हो, तो क्लास ऑब्जेक्ट नहीं पूछेगा। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो एसक्यूएल में मतलब जनरली क्या होता है, जब लोग चीज कुछ नॉर्मल जो वेबसाइट उससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई यूआरएल जैसे लोगों ने सजेस्ट किया डेटा कैंप या इसका सब्सक्रिप्शन लगाई है, तो मैं एसक्यूएल में काफी कंफ्यूज हूँ। डेटा कैंप में मत जाओ। मतलब मतलब 2-3 साल पहले जब कॉलेज में थे तब किया था, तो उसमें बेसिक ही होता है। अगर आप सच में सीखना है तो लीड कोड से करो आप, लीड कोड एंड जो हैकर डेली रैंक। प्रॉब्लम्स होती है हाँ, एंड हैकर रैंक फर्स्ट आप हैकर रैंक कर लो। हैकर रैंक में थोड़े इजी लेवल हैं, लीड कोड में आप अगर आप में वहाँ पे मतलब वो वाले हैं, पेड वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं। फ्री वाले भी बहुत हैं, मतलब 15-20 तो आई गेस होंगे ही, तो 20 भी लगा दिया अब हो गया। मतलब आप बाद में पता प्रैक्टिस करते जाओ धीरे धीरे, दूसरी वेबसाइट जो फ्री वाली, क्यों पैसे पे करना है हमसे। राइट। ठीक है, ये आपने बता दिया। और मैं सर्टिफिकेशन रिलेटेड पूछना चाह रहा था, जैसे मैंने फंडामेंटल की है, तो क्या इस जर्नी में सर्टिफिकेशन भी करना जरूरी, क्या इंटरव्यूज वगैरह में उस पर फोकस किया जाता है, मेरे जैसे एक्सपीरियंस अब ध्यान में रखते मतलब हुए। उससे जॉब रिलेटेड कुछ नहीं होता, बस आप पैकेज अपना थोड़ा सा इंक्रीज करवा सकते हो, ये होता है। मतलब बहुत मैंडेटरी नहीं है। पहले मतलब वन नहीं ईयर बैक व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू, तो वो लोग ने मेरे को लास्ट में पूछा था कि आपका ये सर्टिफिकेट है, तो जब मैंने दिया तो मैंने अपना कुछ डिमांड रखी ज़्यादा, तो आई सेड कि मैंने इतना इतना किया है सर्टिफिकेशन, आई एम सर्टिफाइड इंजीनियर, तो इतना दे दो मुझे XYZ अमाउंट, तो थोड़ा सा वो रेडी हो जाते हैं। मतलब इतना मैंडेटरी नहीं होता है, बहुत सी कोई कंपनी खास पूछती हैं, बहुत सी कंपनी नहीं पूछती हैं। ठीक है। और
एक चीज़ पूछना था, जैसे इसमें मतलब मार्केट कैसा है और वर्क प्रेशर से रिलेटेड मुझे जानना था। सॉरी सॉरी रिपीट करिएगा। मुझे वर्क प्रेशर और मार्केट से रिलेटेड पूछना था, सी आदर्श, लाइक अगर आप इस डोमेन में मूव करना चाह रहे हो तो फर्स्ट अगर आपको इंटरेस्ट हो ना, मतलब आप, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आप ये मत सोचो कि एक्स वाई जेड बंदा जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ, पैसा अच्छा मिलेगा। इसमें क्या होगा ना कि आपको डेटा बिज, मतलब जो भी आपका क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन आपका क्लाइंट है, आप अमेजोन के लिए रिपोर्ट बना रहे हो और डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको उनका बिजनेस आना जरूरी होता है। एक्चुअली में अमेजोन कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, amazon.in जो वेबसाइट है, हम जो हम लोग जहाँ से सामान खरीदते हैं, तो अब वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि उनका एक ही डेटाबेस बना होगा, एक ही डेटाबेस के अंदर वो प्रोडक्ट भी डाल रहे होंगे और जो वेंडर होते हैं वो भी डाल रहे होंगे, हम लोग का जो कस्टमर है उसकी इंफॉर्मेशन भी डाल रहे होंगे, परचेज कितना किसने किया परचेज वो सब नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि जो मतलब इतनी बड़ी वेबसाइट को फिर हैंडल तो ना कर पाए कोई, एक ही डेटाबेस में डाल देगा, ऐसा होता है। मतलब हमने एक एक कंपनी के लिए काम किया है तो उसमें अलग अलग डेटाबेस थे, आई कैन नॉट से द नेम, है ना। तो अब क्या होता है कि सपोज करो आपको कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाना है, आपके अमेजोन ने बोला कि मुझे ये बताओ कि किस बंदे ने कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है, एंड एंड सिटी वाइज इंडिया में, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई अगर मुझे कस्टमर, मतलब बंदे हो गए हम लोग कस्टमर हो गए ना, तो कौन सा कस्टमर, मतलब कस्टमर की इंफॉर्मेशन हम कौन सी टेबल से लाएंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होगी। अब वो लोग सीधा तो सीधा नहीं रखते हैं, मतलब इतने बड़े मिशन मॉडल में वो सीधा सीधा नहीं रखेंगे, वो कुछ घुमा के रखते हैं, उनकी कुछ आईडी चेंज हो जाती है, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा वो वाला, मेरा प्राइम, मैंने प्राइम वाला लेके रखा है सब्सक्रिप्शन, तो उससे जल्दी आ जाता है सामान, ऐसा कुछ होता है अमेजोन में ना, तो उसमें भी कुछ लॉजिक लगा होगा उनका, राइट, मतलब उनका जो रेवेन्यू होता होगा जनरेट, तो प्राइम वाले को, प्राइम वाले का अलग आप जनरेट करोगे क्योंकि हमने पैसा ज़्यादा दिया है प्राइम वाले ने, राइट, और जो नॉर्मल कस्टमर है उन्होंने कम पैसा दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बिजनेस उनका लगा होगा अंदर ना वो निकालने के लिए, तो वो तो आपको पता होना चाहिए ना। विदाउट नोइंग दैट आप कैसे रिपोर्ट जनरेट कर दोगे, बता दोगे कि हाँ ये सागर आदर्श ने इतना इतना सामान खरीदा इस सिटी में इस डेट पे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब मतलब हम लोग इस पे जाते हैं ना, तो हम लोग को ये चीज़ आनी चाहिए, मतलब बहुत सी डिफिकल्टी आती है समझने में, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आता डोमेन है क्या, क्योंकि हम वी आर ऑल्सो न्यू इन टू दैट डोमेन कि वो डोमेन कैसे काम कर रहे हैं, तो वो समझना, फिर वहाँ पे आपको काम करना थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, कभी कभी क्या होता है ना रिपीटेड टास्क मिलते हैं। अब क्या होता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया एंड टू एंड, और जो कि सपोज करो 2 घंटे लेता है डेटा प्रोसेस होने में और पावर बी आई तक, मतलब डेटा को अपलोड करोगे, फिर आपका जहाँ पे फैक्ट टेबल्स होंगी, जहाँ पे अपन लॉजिक लिखे होंगे वो, एंड देन पावर बी आई, तो वो पूरी प्रोसेस 2 घंटे लेती है। अब सपोज करो कुछ होता है कभी कभी कि कुछ फेल हो गया, आपने कुछ ज्वाइन लगाया था, ज्वाइन की वजह से डेटा रॉन्ग हो गया फॉर एन एग्जाम्पल, अब क्या करोगे आप उसको डिबग करोगे उधर बैठ के, और आपको आउटपुट तब नहीं मालूम चलेगा, बीच में आउटपुट नहीं मालूम चलेगा आपको, है ना, आपको आउटपुट मालूम चलेगा जब पूरा रन हो चुका होगा 2 घंटे बाद, फिर आप वहाँ फिक्स करोगे, तो ये ना रिपीटेड टास्क बहुत हो जाते हैं कभी कभी, और ऐसा नहीं है कि हम बीच में रोक कर उसको जल्दी, मतलब जैसे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग टेस्ट केस बना देते हैं वो लोग, तो उनको मालूम चलेगा कि भाई पास है फेल है, चलो हमारा सॉफ्टवेयर सही हो गया, ऐसा यहाँ पे है नहीं, पूरा चीज़ आपको रन करनी पड़ेगी, उसके बाद वेट करो, उसके बाद मालूम, और ये रिपीटेड टास्क है, मतलब आप कितना करोगे। तो जो अगर मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया, अमेजोन ने बोला कि मुझे कंट्री वाइज, मतलब सिटी वाइज परचेज दिखा दो कितना हुआ, फिर वो कल को आएगा जो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा सेम ही चीज़ बोलेगा, वो कुछ और बता देगा, मुझे इस लेवल पे नहीं, मुझे दूसरे लेवल पे ये चीज़ चाहिए, मुझे मतलब ये सिर्फ चाहिए कि अभी मैंने आपको प्राइम, वो अमेजोन की वेबसाइट बताई है, मैंने प्राइम वीडियो जो होती हैं मैंने उनका एग्जाम प्रोजेक्ट दे दिया आपको, तो मतलब सेम ही चीज़ करोगे, आप कुछ नया काम नहीं करोगे वहाँ पर, वही आप डेटा लोड करोगे, फिर आप लॉजिक लगाओगे, फिर आप वही रिपोर्ट बनाओगे, कुछ नया काम नहीं करोगे, तो कभी कहीं ना बोरिंग हो जाता थोड़ा है काम, सही है। बोरिंग हो जाता है काम ये। और वर्क
और वर्क प्रेशर मतलब इसमें तो इस हिसाब से डेटा से खेली तो थोड़ा सा रिपीटेटिव टास्क लेके आपने हाँ सेक्सप्रेंग। सी मतलब क्या होता है ना, जैसे वर्क वर्क वाले में क्या वर्क अच्छा है। अब अगर देखो अब आपको मजा आ रहा है सब चीजों में, डेटा में है हाँ ना, तो तो आपको अच्छा ही लगेगा। अब जैसे अब वेबसाइट में क्या होता है, जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, नए नए फीचर ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे ये डिपेंडेंसी नहीं होती डोमेन की। क्योंकि क्लाइंट आया, मैंने आया, मैंने आपको बोला कि यार ये वाली वेबसाइट पे ये जो मतलब कुछ है वो चीज़ ऐसा ही नहीं लग रही है, ड्रॉप डाउन उसको आप सही कर दो, इसको ऐसे कर देना। तो आपको क्या जानना है, आपको पता है कि वहाँ भाई इसका कोड होगा, टैग वैग अलग लगा दिए होंगे, यूआई अलाई वो सब मैं सही कर दूँ। तो उसमें क्या होता है, जल्दी आपने काम कर दिया और ज़्यादा आपको आप मतलब डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, आपको पता कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग मुझे जल्दी कर दिया, ये होता। और इसमें क्या होता है कि आप वेट कर रहे हो किसी का, कभी जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको पता नहीं होता किसी को मतलब क्या डोमेन है क्या करना, आप वेट कर रहे हो, आपके जो सीनियर आएंगे वो बताएंगे, डिस्कशन होगा, उसके बाद आप कर पाओगे ना। तो थोड़ा थोड़ा मतलब कभी कभी जॉब ये थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है और बहुत लंबा घसीट लेती है। मेरे साथ तो हुआ है, मेरे ये फ्रेंड्स तो के साथ भी होता है ये। हाँ मतलब जो आप बता रहे हो जेन्युइन है, क्योंकि ज्यादातर लिंक्डइन वगैरह पे यही चलता है, ज्वाइन ये वो जिस तरह से है। मतलब हाँ लिंक्डइन मुझे तो लगता है वही है, नॉन आईटी जो अपन आईटी नहीं कर पाते हैं तो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए एक वेबसाइट। हाँ अधिकतर लोग सब जेई का तैयारी करते, जिसको नहीं हुआ वो है ज्वाइन है लेफ्ट, यही चल रहा है। तो मुझे एक चीज और भी आपसे जानना था, एक जो क्या मतलब एक्सपीरियंस के लिए पैकेज अच्छा रहता है इस फील्ड में, या बस एक मतलब 100 में से 1-2 बंदे को मिलता है वही नहीं नहीं हाइप के नहीं लिए? देखो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो डिपेंड भी करता है कि आपका प्रीवियस पैकेज क्या था, ठीक है। जैसे मतलब आई एम नॉट टॉकिंग बट फ्रेशर, मतलब जो कॉलेज से पास आउट होता है, अगर हाँ जैसे हम हैं और आप हैं, आप काम कर चुके हो, तो अब आपका जो सी कंपनी में भी जाओगे आप, तो ऑब्वियसली जितना भी आप लिख लो लिंक्डइन पे बड़ा बड़ा, तो पीछे का पैकेज पूछा ही जाता है ना। जैसे सही बात मान लो आपका दस है, 10 पैकेज है, तो है। यार अब आपको 15-16 तो आराम से मिलना ही चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। एंड एंड क्या होता है कि बहुत से लोग काउंटर भी रख देते हैं, अब 15 का पैकेज उठा के आपने दूसरी कंपनी में रख दिया कि भाई मुझे इतना तो मिल ही रहा है, मुझे दूसरी इतना दे दो। तो मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसको अभी मिला है 20 बेस, उसका पहले 11 था, मतलब सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको, 2-2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, इतना मिल गया। उसने काउंटर रखा जो भी किया, आई डू नॉट नो द प्रोसेस, बट उसे हाँ इतना मिल गया। तो डिमांड है, मतलब अगर आपको चीज़ें आती हैं कंपनी देने को रेडी है, और आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम नेगोशिएट ही नहीं करते हैं, और उस कंपनी ने बोला कि भाई 12 ही हमारा सबसे बेस्ट ऑफर है, इतने दे पाएंगे, हम सोचते हैं हाँ भाई चलो कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ, जल्दी छलांग मार दी, फिर वहां जाके मालूम चलता है कि लियो ये तो बहुत कम था मेरे लिए, है ना। तो मतलब सही आप बात पहले है। रिसर्च कर लो। मतलब मैंने क्या किया, जब भी हम सर्च मारते हैं तो लिंक्डइन पे जो भी उस कंपनी के लोग होते हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जो ग्लास डोर वहाँ पे जाके सही रिव्यू मिलता नहीं है मेरे को सैलरी वाला, तो सही उस सही कंपनी हाँ में या तो मेरा कोई जान पहचान का होता है उससे पुछवा लेते हैं, अदरवाइज अपना लिंक्डइन पे 3-4 बंदों से पूछते हैं, एक बंदे से नहीं, एक बंदा का कुछ लोग होते हैं नहीं बताते हैं, कुछ लोग होते हैं सही उनको नॉलेज ही नहीं पता है, तो दूसरे लोग से पूछ लिया हाँ इतना है, अगर 15 तो देगा तो फिर 15 से ही बात करो, नहीं देना तो भाई सामने मना करो, क्योंकि आप कम पैकेज पे क्यों ही जाओगे। फिर लोग क्या करते सही हैं, बात लोग क्या करते हैं ऑफर लेके दूसरी जगह ट्राई करते रहते हैं, दैट इज नॉट अ एथिकल वे, बट लोग राइट करते हैं। अब क्या है उसमें बोल सकते हैं, पैसे चाहिए लोगों को तो। हाँ एक एक दो चीज और पूछनी थी। एक जो एजुरे का एजुरे साइट से भी क्या पैरेलली लर्न करना सही रहेगा, जैसे मैं क्लाउड में एजुरे और DP900 की भी मतलब ऐसे डीपी आपको नाइन हंड्रेड क्योंकि आपने कर लिया तो आपको ब्लॉब नहीं मतलब एडीएलएस, अभी इवॉल्व अच्छा मतलब बस अभी मैंने फंडामेंटल किया, क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी तो एजुरे साइट के और DP900 का भी कर रही है, तो मैं वही पूछना चाह रहा था जो आगे बढ़ना सही रहेगा या मतलब पैरेलली लर्न करना हाँ चाहिए हाँ क्लाउड में। हाँ आप डिसाइड कर लो ना पहले कि आपको मतलब क्लाउड पे कौन सा फील्ड में जाना है, एजुअर पे जाना, AWS पे जाना, GCP में जाना। अब जैसे आपने बोला DP900 किया तो वो आप एजुअर पे ही तैयारी कर रहे हो उसकी, हाँ कंपनी चूंकि स्पॉन्सर कर रही है तो मैं हाँ इसलिए तो मतलब जो उसी साइड से उसकी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है microsoftlearn.com, वहाँ से जाके DP900 आप डालोगे ना अगर फिल्टर करोगे तो वो पूरे सिलेबस मॉड्यूल्स बता देते हैं आपको, तो वहाँ पे जाके मॉड्यूल पढ़ो, वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज, Gen 2 Gen 1 क्या होता है, VM
क्या होते हैं सीक्वल। हाँ तो वो मुझे जानना था ये क्या इधर पैरेलली आपको इरेंज करती है, मतलब ये आपको एक तरह से फायदा पहुंचाती है हाँ फायदा इस पहुंचाती है, साइड क्योंकि ना कंपनी जो भी आप DP 900 का क्या है, फंडामेंटल ऑफ डेटा इंजीनियरिंग है वो, जो सर्टिफिकेशन का मतलब जो फायदा देती है वो फंडामेंटल ऑफ डेटा इंजीनियरिंग है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक बेसिक वही ब्लॉक क्या होगा, आप अगर पढ़ोगे पूरा डॉक्यूमेंट सही से तो आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉक हम क्यों यूज करते हैं, हम Gen 2 क्यों यूज करते हैं, Gen 2 ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी फाइल आप कब डालोगे, है ना। अब जैसे कि क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा है, आप उसको बार बार निकाल रहे हो, तो ब्लॉक में आप कौन सा टायर यूज करोगे, हॉट टायर कूल टायर एक और कुछ शायद होता है वो यूज करोगे, हाँ अरकाइव आर्काइव वो वाला, तो वो सब चीजें आपको मालूम चलेगी ना कि हाँ। और वही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेगा, और क्या ही पूछेगा इंटरव्यू में आपसे, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। अब जैसे कि Gen 2 Gen 1 सही। में और डिफरेंस क्या हो गया, VM कैसे है, VM कैसे बनाओगे, फायरवॉल उसमें जो होता है IP एड्रेस वाला वो कैसे सेट करोगे, तो वो सब चीजें आप अगर डीप मतलब उसका लर्न लर्न वाली वेबसाइट पे जाओगे ना तो अच्छे सीखोगे। एंड इसके जब ये आपको कंप्लीट हो जाए, आप सर्टिफिकेशन दे दो, तो डम्प्स होते हैं, एक वेबसाइट है नाम भूल गए, वो वेबसाइट वो डम्प्स प्रोवाइड करती है सभी सर्टिफिकेशन की, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के डम्प्स प्रोवाइड करती है। यदि आपको कुछ याद रिमेम्बर हो तो आप पिंग कर देंगे हाँ मुझे मुझे इसको। है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप उसको पहले मत देखो, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन हाँ रिपीट लास्ट में राइट। लास्ट में देखो, उससे क्या होगा ना आपको अपने मतलब आप उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे DP 900 के एग्जाम में, वहाँ पे आपको 100 मिलेंगे क्वेश्चन उस वेबसाइट पे, तो आपको और भी नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ और भी क्या क्या सिनेरियो होते हैं। नॉलेज के लिए आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप पास होने के लिए हाँ उसको जाओ। हाँ इंटरव्यू में मतलब कुछ पूछ रहा है और मुझे सर्टिफिकेशन में लेके खड़ा हूँ तो काफी अच्छा है। एक चीज और पूछनी थी जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसमें एक्सपीरियंस हो तो मुझे तो वो शो करना पड़ेगा जो मैं कहीं ना कहीं काम किया हूँ उसके लेके कैसे करूँ, क्योंकि जो जनरली बताते हैं वो ये तो मतलब सही है लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं कैसे मतलब अपने एक्सपीरियंस को कैसे जस्टिफाई करूँ कुछ उसके लिए सजेस्ट करें। सी आप जस्टिफाई ऐसे कर सकते हो, आप अपना प्रोजेक्ट बना लो अपने आप से, ठीक है, फिर आप उसको लिख दो वहाँ पे मतलब रिज्यूमे में अपने, और बता दो कि 1 ईयर बैक मेरी कंपनी ये भी काम करने लगी है और मैंने ये वाला प्रोजेक्ट अभी निपटाया है, और मतलब कोई भी आपका फ्रेंड हो। प्रोजेक्ट्स वगैरह आप बोल रहे गूगल वगैरह से भी या कोई मतलब जो कंपनी डिफरेंट गूगल कंपनीज है देखो उसके क्या, प्रोजेक्ट्स जैसे लेके आपको कोई आप फ्रेंड है मानो जो डेटा इंजीनियर बन चुका है 1-2 साल से काम कर रहा है, आप उसको कॉल करो, उससे पूछो कि तुम्हारी कंपनी में प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो वो भी पूरा पूरा बताएगा नहीं आपको, ओवरऑल तो बता देगा कि राइट भाई मैं ये काम करता था, और ना आपको इंटरव्यूअर को बताना है कि मैं पूरा डीप में क्या करता था, ना डेटा कौन सा था, क्लाइंट क्या था, ये सब नहीं बताना होता है। तो आपने वहां से समझ लिया उसकी, और आपको नॉलेज है कि हाँ इस टूल पे जैसे इसने बोला मुझे, मैंने तो भाई ADF पे काम किया था, ब्लॉक पे काम किया था, स्पार्क पे काम किया था, आपको भी पता है वो सब टूल्स, आपने वहाँ आप उसको आप सीख चुके हो 1-2 महीने 3-4 महीने में, तो अब इंटरव्यू में क्या ही पूछेगा, वर्क पूछेगा आपको डीप में जाकर, आर्किटेक्चर पूछा जाता है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कैसे ऑप्टिमाइज किया, पहले सिनेरियो क्या थे, आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने बोला कि मैंने पार्किट फाइल यूज करी थी, तो कोई इंटरव्यू पूछ सकता है कि पार्किट क्यों यूज करी, CSV फाइल क्यों यूज नहीं करी, वहाँ पे रीजन बताओ, रीजन फिर CSV फाइल भी यूज कर सकते थे, CSV फाइल पैकेट फाइल में डिफरेंस क्या हो गया, ORC क्यों नहीं यूज किया फॉर्मेट, डेल्टा डेल्टा टेबल यूज क्यों नहीं करी है वहाँ पे, है ना, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब आप अपने उसमें ही लिख दो, अपने रेज्यूमे में लिख दो, और ज्यादा मत लिखो क्योंकि यू आर फ्रेश है ना, अब आप अगर 2-3 साल का लिख दोगे एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे क्या, हाँ आप चलो इंटरव्यू निकाल लोगे फिर वहाँ पर कंपनी में हाँ लेकिन फिर दिक्कत मैं जा होगी, रियल टाइम में हाँ प्रॉब्लम होगी। दिक्कत होगी क्योंकि वो आपको हाँ सही है मैनेजर को यही पता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस 3 साल के वाला काम दो, है ना, तो लिख दो मतलब पाँच छः महीने सही बात पाँच छः महीने 1 साल मैंने बस स्टार्ट हाँ मतलब किया है। आपने समझ गया मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लो काइंड ऑफ हाँ मतलब एक हाँ कैलकुलेशन होना और आप चाहिए वही आपको आप लिखो, और वो लिखो आप कि जो आपको सब आता हो रेज्यूमे में, मतलब जो स्किल्स लिखते हो ना, तो जैसे कि आपको पुराने स्किल्स तो अब कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि भाई मैं भी अगर मैं राइट इंटरव्यू ले रहा हूँ तो भाई मुझे पता ही नहीं है वो, तो नए बात जो मुझे आते होंगे मैं वही पूछूंगा ना, तो जैसे पाइथन हो राइट गया, पाइथन हो गया वो आप 1 मिनट।
हाँ जैसे वो पाइथन हो गया, वो आप लिखो लैंग्वेज में, जावा आपको पता ही है, यू सेट वो लिख दो, एंड सीक्वल लिख दो जरूरी है सीक्वल, एंड उसके बाद आप ये लिखो क्या, स्पार्क लिखो, पाइस स्पार्क, पाइस स्पार्क, स्पार्क सीक्वल, मतलब दोनों चीज सेम है, तीनों चीज सेम है, स्पार्क पाइस स्पार्क सीक्वल एक ही चीज में आ जाता है ये। एंड देन ब्लॉब स्टोरेज आपको आता है, जेन टू आता है, एंड देन आप अगर एजो पे ही मूव कर रहे हो तो आप ये सीख लो ADF, फिर फ्री का अकाउंट बनाना है आपको, पैसे पे नहीं करने हैं, ठीक है, फ्री का अकाउंट बनाना, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे वीडियो बन जाएगी, दूसरे चैनल में वीडियो मिल जाएगी, आप बस मतलब बहुत बेसिक जानना है और बहुत ईजी है, क्योंकि इट्स अ टूल, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है जैसे मैंने आपको बोला, तो वो आप लिख दो, फिर आप इस पार वो ये एजो डेटा ब्रिक्स लिख दो, ठीक है, एजो डेटाबेस में भी आपको मतलब स्पार्क का ही काम करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा माउंट पॉइंट क्या होता है और बहुत सी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, वो चीज जाननी है। एंड देन आप पावर बीआई तो मतलब अगर आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो सीख लो, वेल एंड गुड, इतना बहुत है, क्योंकि क्या होता है ना ये मुझे ये पूछना था, स्पार्क के लिए कोई कोई आपकी नजर में मतलब कोई ऐसा जिसको मैं फॉलो कर सकूँ, यूट्यूब जैसे आपने सजेस्ट किया इसके लिए, एसक्यूएल वगैरह के लिए, उसी तरह यदि स्पार्क, क्योंकि स्पार्क में कंप्लीटली ब्लैंक, मतलब कुछ भी मुझे रिसर्च नहीं है, मेरा हाँ, प्रीवियस तो एक कोई जॉब वेबसाइट है तो sparkbyexample.com, वो देख लो, ठीक मतलब है। वो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगी और अच्छी मतलब बेसिक टर्म्स में ही समझाया गया हुआ है। एंड यूट्यूब है, मेरा भी चैनल देख सकते हो, पाई स्पार्क का, लोग कहते हैं लोग समझ में आ रहा है वहाँ से, बेसिक मतलब बेसिक ही है, अगर ठीक है, आपको नॉर्मली किट, आपको ठीक एडवांस सीखना है ना, तो एडवांस के लिए आप फिर दूसरी वेबसाइट है, मतलब बहुत सी वेबसाइट है, आप यूट्यूब में सर्च मारोगे फिर ये तो मिल ही जाना है आपको कुछ ना कुछ, पेड वेड कोर्स के ठीक पीछे है, मत भागो लिटरली, क्योंकि हाँ बहुत महंगे कोर्स हैं, तो देखते हैं 30,000 का कोई बेच लोग रहा है, इवन इंजीनियरिंग कॉलेज से फर्स्ट सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर फीस से ज्यादा लोग फीस रख रहे हैं, तो मतलब क्योंकि मुझे तो क्या आश्चर्य हुआ जो मतलब हुआ इतना में। क्या है कि डिमांड ही हो गई ना इतनी, द थिंग इज इतनी